बीच है MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक मिलावटी सरकार यहां बन गई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 100 दिन हो गए कर्ज माफी के वादे, क्या हुआ? यही कांग्रेस की सच्चाई है। कांग्रेस एक बार चुनाव के वक्त जो पोस्टर छपवा लेती है उसे कई दशक तक चलाती है। हर चुनाव में वही पोस्टर निकालती है, बस नामदार की फोटो बदलती रहती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में चर्चा होती थी कि आए दिन बम धमाके होते हैं। लोग कहते थे छोटे छोटे देश कार्रवाई करते हैं, भारत कब जागेगा? ये जो घोटाला हुआ है ये कितने लाख का हुआ है, आज विकास की चर्चा होती है। अपने ही वंश को सर्वोपरि मनाने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश चाहता क्या है, इसलिए वे रोज मोदी को गाली देने बैठ जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज वीरों की भूमि पर आया हूँ। मैं देश के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं का आशीर्वाद लेकर कहना चाहता हूँ कि देश को जहाँ से भी खतरा होगा वहाँ पर घुसकर मारेंगे। अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। ये होती है दमदार सरकार। ये दम तब आता है जब दिल और दिमाग सिर्फ भारत के लिए सोचता है, 125 करोड़ देशवासियों के लिए सोचता था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत, नीति आयोग का गलत इस्तेमाल कर रहा। प्रज्ञा ठाकुर के प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे प्रचार करने से रोक लगा दी। प्रज्ञा ठाकुर पर शहीद ATS प्रमुख हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद पर की टिप्पणियों के लिए रोक लगाई गई है। ये रोक गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू होगी। उनके बयानों को आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि वह बाबरी मस्जिद ढांचे पर चढ़ी और उसे गिराने में मदद की। उन्होंने कहा कि अब उसी जगह पर राम मंदिर बनाया जाएगा जहां बाबरी मस्जिद मौजूद थी। उसके बयान के लिए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी थमाया था, जिनमें उन्होंने कहा कि मैंने किसी जाति, धर्म, समुदाय, भाषा आदि इत्यादि के मध्य उन्माद या धार्मिक भावना को आहत करने अथवा ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कोई बयान नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, भाजपा 220-230 सीटें जीती तो हो सकता है नरेंद्र मोदी पीएम ना बने। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात की ओर इशारा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद शीघ्र नेतृत्व में बदलाव संभव है। स्वामी के अनुसार हो सकता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने और उनकी जगह नितिन गडकरी भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हालांकि यह चुनाव के रिजल्ट पर निर्भर करेगा। हफ पोस्ट इंडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में स्वामी ने इशारा किया है कि यदि भाजपा को 230 या उससे कम सीटें मिलती है तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने। उन्होंने कहा, मान लीजिए भाजपा 230 या 220 सीटें जीतती है और NDA के सहयोगियों के 30 सीट मिल जाती है तो ये आंकड़ा 250 तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी हमें 30 सीट की जरूरत होगी। क्या ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? इस पर स्वामी ने कहा, ये NDA के अन्य सहयोगियों पर निर्भर करेगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।